नमस्कार मित्रों, राजस्थान के उदयपुर की ये खबर है और उदयपुर एक ऐसी खबर है जो श्रमिकों को लेके है। वो श्रमिक जो आप देखें कि ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको पेड़ पौधे जो दिखाई दे रहे हैं, जिनको संरक्षण करने वाले ऐसे पूरे जो है कर्मचारी हैं, और ये वो कर्मचारी है जो मनरेगा की तरह काम करते हैं। जहाँ हम देखें गाँव में मनरेगा चलती है, उसी प्रकार से शहरों में योजनाएँ चलती है, तो ठेकेदार के संरक्षण में ये सारी टेंडर होते हैं और टेंडर के बाद जो है इनको काम दिया जाता है। जब देश आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, लेकिन आज हम देखें कि नेताओं की तनख्वाह तो लाखों में चली गई, एक सरपंच की तनख्वाह भी न जाने कितनी ऊपर चली गई, लेकिन एक काम करने वाले मजदूर जो कि अंतिम पायदान पे जो इस देश को बनाता है, चाहे वो मजदूर ईंट बनाने वाला हो, चाहे वो फूल लगाने वाला हो, पेड़ लगाने वाला हो, प्लास्टर करने वाला हो, वो मजदूर आज भी दर्द में है, प्यासा है, और ये इसी की तस्वीरें आपको बयां कर रही है। न जाने कितने ही वर्षों से एक उम्मीद की आस लगा के बैठे हैं कि आज नहीं तो कल हमारा भला होगा, आज नहीं तो कबल होगा, लेकिन भला तो सिर्फ नाम का ही है, अभी काम का नहीं है। आप देखें ये माजी है, माजी कितना साल भी आपने काम करता करता चालीस और पाँच रुपए में आप काम चालू की दो, यानी 45 रुपए में काम शुरू की दो और आज दिन तक परमानेंट नहीं भैया। तो आप देखें कि एक मजदूर जिसकी खाली पूरी दिन की कमाई कतरा है, 230 रुपए, जहाँ बड़े बड़े बंगलों में जानवर रहते हैं, 220 रुपए के तो दिन भर में बिस्किट खाई जा, बिस्किट खा जाते हैं, और हमारे मजदूर जो दिन भर पसीना लगा के देश को बनाता है, इस शहर को बनाता है, सुंदरता लाता है, उस मजदूर की हालत आप देखेगी ये कि ये हालत है। ऐसी ये इनकी हालत नहीं है, चाहे उदयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, देश का एक हर एक कोना मजदूरों तो आज भी त्रस्त है। मजदूरों की आय नहीं बढ़ाई गई है, न उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। लगातार श्रम ट्रेड यूनियन मांग कर रहा है कि मजदूरों की आय बढ़े, मिनिमम वेतन मजदूरों का 500 रुपये हो, 600 रुपये हो, और मिनिमम जो वेतन है वो 18,000 रुपये हमारे मजदूरों को मिले, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन आप देखें कि ये चरमराई व्यवस्थाएं, ये सरकार की ढीला रवैया के कारण आज भी मजदूर अपेक्षित शोषण का शिकार है। कैसे घर चलाते हो आप ये इतने से पैसे में? 40 बाद 50 बाद किराया भाड़ मिल रहा है, 230 रुपए मिले, कई तो बजावन कई ठावा 18 साल में गया जमा का, अभी मान ले, अभी मान ले, दो टाइम में जो अदर टाइम में गया तो कई तो उम्मीद की आस लगाए ये बहने हैं जो बागवान में काम करती है। उदयपुर के जितने भी गार्डन हैं वहां पर आप देखें कि 20-25-30-50 महिलाएं काम करती है। उदयपुर इतना बड़ा नगर है, हरा भरा शहर है, चाहे सज्जनगढ़ हो, चाहे दूध तलई हो, चाहे मासला मंगरेब की हो, चाहे गुलाबबाग हो, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग गार्डनों में महिलाएं काम करती है, कहीं कहीं पुरुष भी काम करते हैं। पुरुषों को भी, युवाओं को लगता है कि हम आज नहीं तो कल परमानेंट होंगे, जब किसी दोस्त के पास बैठते हो पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी, तो क्या कहते हो? क्या लज्जित होना पड़ता दूसरों के सामने कि हमारी तनख्वाह नगर निगम में काम करते हो और आपकी तनख्वाह कितनी? 230। ये देखो हमारे साथ में एक वरिष्ठ बाबूजी, बाबूजी आप बताओ कितने साल से काम कर रहे हो? 20 साल। ये न जाने इतने इसे कई हमारे बुजुर्ग है जो न जाने 30 साल से 35 साल से काम कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल में कर्मचारी हो, चाहे बागवानी में हो, अन्य विभिन्न प्रकार में काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों का भला करने वाला कोई नहीं आया। जो भी नेता आया, जो भी अभिनेता आया, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा देश सशक्त होगा। अरे सशक्त तो तब बनेगा जब हमारे ये मजदूर सशक्त बनेंगे, जब हमारे ये मजदूर अच्छा कमाएंगे, तब अच्छा कमाएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो मजदूर तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, मजदूर तो मर जाएगा। आज महंगाई इतनी हो गई है, 1 किलो तेल लेवा जाओ है ना तो रुपया खतरा भी गया, 200 रुपये 1 किलो तेल, 200 रुपये, यानी दिन भर काम करो तो 1 किलो तेल ही नहीं आवे, यानी अपना तो तेल निकल गया कुल मिले, है ना? तो दोस्तों ये इन्हीं की परेशानी नहीं है, ये सबकी परेशानी है, और सरकार को आज चाहिए कि मजदूरों को परमानेंट करे, ऐसे मजदूर जो परमानेंट हो सके उनको परमानेंट करे, जो माताएं बुजुर्ग होगी उनको क्षतिपूर्ति दे,
उनको रिटायर करे, घरे आराम से भेजे, ताकि इतना पैसा दे के वो अपना जीवन को व्यापत कर सके। ये देखिए आप, पूरा ये जो तस्वीरें है, पूरा दूधतलाई की तस्वीरें है, सुंदर सुंदर जो गार्डन है उसको देखने के लिए तो खूब लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजा महाराजाओं की बातें करते हैं, है ना, देश की स्वतंत्रता की बातें करते हैं, लेकिन मजदूर की बात कोई नहीं करता। अभी आपके सामने इतनी बातें हुई थी, किसी ने ये कहा कि मजदूरों ने कुछ किया? तो देश के नेताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए इन मजदूर भाई भाई बहनों से, आज इनकी ओर देखने की आवश्यकता है। हम आपको जिता कर भेजते हैं हमारे विकास के लिए, न कि हम बड़े लोगों के विकास के लिए भेजते हैं। आप जब बन जाते हो सरपंच बन जाते हो, जब आप वार्ड पार्षद बन जाते हो, महापौर बन जाते हो, MLA बन जाते हो, सांसद बन जाते हो, आप अपना ही भला करते हो। कहने का मतलब ये है कि आज हमारे ये जनजाति क्षेत्र है, और जनजाति क्षेत्र में सारे के सारे सरपंच हमारे, MP हमारा, MLA हमारे, सारे प्रशासन होते हुए भी हमारी बहनें देखो आज भी तरस रही रोजगार। ये हमारी बहनें किसी से भीख नहीं मांग रही है, ये अपना हक मांग रही है। किसी से हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांगते हैं, और अधिकार ये है कि जो काम करेगा वो खाएगा और लूटने वाला जाएगा, नया जमाना है ना। तो कोई बात नहीं, संघर्ष करेंगे। हो सकता है कि सरकार के किसी रुमाइंदे को, सरकार के किसी प्रतिनिधि को, किसी को थोड़ी बहुत अगर लज्जा होगी, थोड़ी बहुत शर्म होगी, तो वो हमारे लिए आपकी बात ज़रूर उठाएगा, और पार्लियामेंट में, विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाकर उसके दायित्व को, कर्तव्य को पूरा करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अगर अच्छा वीडियो लगा हो दोस्तों, तो उदयपुर की जनता, आपने जब कन्हैया लाल को सपोर्ट किया तो करोड़ों रुपये उसको मिले, उसको नौकरी मिली, लेकिन जिन गरीबों को नौकरी मिलनी चाहिए उनकी आंखें आज 20 साल से तरस रही है, किसी की 10 साल से तरस रही है, कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई छोटे छोटे पेड़ लगाए, ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे पेड़ लगाए वो भी बड़े हो गए, फल देने लगे, पेड़ लगाते हुए पेड़ फल देने लगे, लेकिन हमारे तनख्वाह तो पता ही कोई नहीं। तो आइए सब मिलकर इनकी मदद करते हैं, मजदूर भाइयों की मदद करते हैं, और इनको इनके हक और अधिकार दिलाकर सरकारें भर्तियाँ खोलती है। क्यों हमारे बागवानी के लिए भर्ती नहीं खोलती, क्यों अच्छे लोग जो मजदूर हैं उनके लिए खोले, ताकि इनका विकास हो। ये देखिए आप, बरसती बरसात के अंदर काम करते हैं, ठंड के अंदर काम करते हैं, सर्दी के अंदर काम करते, देश के अंदर लॉकडाउन था तब भी आप काम कर रहे थे, सारा देश बगीचे सूख जाएंगे, आप पानी पिला रहे थे, गर्मी में प्रचंड सांप का, सांप बिच्छू न जाने कितने जहरीले जानवर, जो पल पल पे खतरा है, फिर भी आप खतरे का सामना करते हुए काम करते हैं। लो बोलो, मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए नहीं, सब मजदूरों के लिए सोचे। हर मजदूर परेशान है, अब मजदूरों को सशक्त बना दो, मजदूरों को उन्नत बना दो, ताकि हमारा मजदूर किसी से भीख नहीं मांगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। जहाँ भी मीटिंग होती है, हमारे मजदूर भाई हमेशा ये सोचते हैं कि आज हमें कोई परमानेंट करेगा, कल परमानेंट करेगा, लेकिन परमानेंट की यहाँ बात जरूर की जाती है, और आधे लोग तो नेताजी जो है टालम टोल जवाब देते हैं, विधानसभा में बैठ कर अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, और खूब चाय कचौरी खा के और प्रभु के गुण गाते, और हमारा मजदूर आज बेचारा तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता है, न इनको समय पे वेतन मिलता है, महीने में, दो महीने में, तीन तीन महीने में इनकी तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह भी कितनी, 5,000, कितनी है, 5,500। तो देखिए बरसती बरसात में हमारे ये श्रमिक भाई अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं, आशा है कि ये दर्द को कोई न कोई प्रतिनिधि, कोई न कोई जनप्रतिनिधि जरूर सुनेगा, उसके कानों तक पहुँचेगी इसकी आवाज़, और आप मजदूर भाइयों के लिए कुछ सोचेंगे, और हमारा काम है संघर्ष करना, आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, आप भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद।